अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जी मोहतरम नाज़रीन व सामईन, ये यूनस गौहरशाही जो फितने की जड़ है, आप इसका एक इंतहाई गलीज तरीन जुबान पर मुश्तमिल एक क्लिप सुनिए कि हज बैतुल्ला के बारे में ये क्या बकवास कर रहा है, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ने हज करना है वो वहाँ जाके मौजूद है, हम हज के बगैर ही बेहतर हैं, हमने ऐसी जगह हज करना ही नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना कि ये हज बैतुल्लाह के बारे में क्या कह रहा है, और अल्लाह ने हज बैतुल्लाह को शायर इस्लाम में से रखा है। शायर इस्लाम की तोहीन करना आप जानते हैं कुफर होता है, और इसी तरीके पर ये ऐसा बंदा है, आए दिन अपने लेक्चरों में नौजवानों को, अपने सामने बैठे लोगों को और सोशल मीडिया पे इससे जुड़े लोगों को ये उकसाता है, ये मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और तमाम उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ ये उकसाता है। शायर इस्लाम के खिलाफ गंदी जुबान आए दिन इस्तेमाल करता रहता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त है कि खुदा के लिए कानून हरकत मिला के इस बंदे के खिलाफ आप इंटरनेशनल मुकदमा चलवाएं और इसको इबरतनाक सजा दिलवाएं, जो आए दिन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहा है। और याद रहे, ये यूनस गौहरशाही रियाज गौहरशाही का चेला और जानशीन बना बैठा है, वो तो दुनिया से मुर्दार दफा हो गया, लेकिन अपनी ये गंदी औलाद छोड़ गया है। अल्लाह ताला इसको भी नेस्त नाबूद फरमाए।